आज मैं आपको बताऊंगा कि इग्नू में असाइनमेंट को सबमिट किस तरह से किया जाता है। पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया कि इग्नू में किस तरह से असाइनमेंट जो है बनाए जाते हैं। अब असाइनमेंट बनाने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह से असाइनमेंट जो है सबमिट किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, आप अपने असाइनमेंट को सही तरह से टैग करेंगे, उसके बाद फिर जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ इनको लेकर जाएंगे। आपके स्टडी सेंटर में ही इग्नू के जो असाइनमेंट जो होते हैं वो सबमिट किए जाएंगे और कहीं नहीं किए जाएंगे। आपको अपने रीजनल सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका रीजनल सेंटर होता है जहाँ आप बुक्स लेने के लिए भी जाते हैं, इन सब के लिए नहीं। आपको स्टडी सेंटर जाना है जहाँ आप पढ़ने के लिए जाते हैं या जहाँ आप अपनी कोई भी क्वेरी होती है उसको दूर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर आप क्लासेस लेने के लिए भी जाते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, क्लासेस कई सारे बच्चे लेते हैं, सैटरडे संडे क्लासेस लगती है, तो उसके बारे में वहाँ पर स्टडी सेंटर जो होता है उसमें हम जाएंगे। वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, ओरिजिनल फॉर्म होता है। ये फॉर्म जो है इसकी फ़ोटो कॉपी है, ये फ़ोटो कॉपी है। आपको ये फॉर्म मिलेगा, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको सबमिट करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम कोड है, प्रोग्राम कोड आपको लिखना है, रीजनल सेंटर कोड लिखना है, सब कुछ आपको पता होगा। स्टडी सेंटर कोड लिखना है, स्टडी सेंटर कोड लिखने के बाद आपका इनरोलमेंट नंबर स्पेशल यूनिक होता है आपका। उसके बाद आप अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपका एड्रेस होगा। यहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर कोड, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर कोड वो होता है कि कहाँ आप अपना पेपर करवाना चाहते हैं, आप किस एरिया में अपना पेपर करवाना चाहते हैं। अगर आप जिस एग्ज़ाम सेंटर का कोड लिखना चाहते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इग्नू वाले भी आपको वहीं पर ही दे देते हैं, लेकिन अगर वहाँ नहीं देते तो उसके आसपास ही देते हैं। मतलब अगर आप रहते हैं नॉर्थ नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, और तो आप नहीं चाहते कि आपको साउथ दिल्ली जाना पड़े पेपर देने के लिए, तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ दिल्ली का कोई कोड लिख देंगे, या जो आपके घर के पास कोई एग्ज़ाम सेंटर है उसका कोड लिख देंगे। वो आपको एक बुकलेट जो शुरुआत में जब आपने एडमिशन करवाया होगा तो वहाँ पर से मिली होगी, वरना आप इग्नू की वेबसाइट में जाकर भी पता कर सकते हैं इसके बारे में। तो उसको लिख देंगे तो उसके आसपास मिलेगा, या फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही मिल जाता है आपको। उसके बाद ये लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल लिखना है यहाँ पर। उसके बाद फिर ये फॉर्म जो है इसको पूरा भरना है। उसके बाद जो जो कोर्स आपने लिए हैं उनको एक एक करके यहाँ पर लिखना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके प्रैक्टिकल कोर्सेज जो हैं उनको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन्हीं को ही लिखा जाता है जिनके आपने असाइनमेंट्स बनाए हैं। इन असाइनमेंट्स को डालने के बाद आपने यहाँ पर साइन करना है। उसके बाद ये सब के सब चेक उसके चेक करने के लिए आपको वहाँ पर जो होगा जिनके पास ये अथॉरिटी होगी तो उनके पास आपको जाना है, और वो वहाँ पर से उसके बाद यहाँ पर देखिए ये करने के बाद यहाँ पर वो साइन करवा लेंगे। एक साइन जो है जो ये आपकी असाइनमेंट लेगा, और दूसरा जो असाइनमेंट को वेरीफाई करेगा ये उसके साइन है, तो दोनों के साइन होने ज़रूरी हैं। उसके बाद ये आपको 31 मार्च से पहले पहले जमा करने होते हैं, या फिर 30 सितंबर से पहले। अगर आप जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जमा करवाने हैं आपको, और अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले आपको ये एग्ज़ाम जो असाइनमेंट्स हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। अगर उसके बाद आप करवाएंगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ती है। जैसे 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आपको 300 रुपये देने हैं, 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 500, और 1 मई से 15 मई तक 1000 रुपये की आपको लेट फीस जो है पड़ेगी। दिसंबर एग्जाम के लिए देख लीजिए, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के लिए 300 रुपये, 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए 500, और 1 नवंबर से 15 नवंबर के लिए 1000 रुपये आपको पड़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि 31 मार्च से पहले या फिर 30 सितंबर से पहले ही अपने एग्ज़ाम जितने भी असाइनमेंट है वो जमा कर लीजिए। एग्ज़ाम असाइनमेंट जमा करने के बाद जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले देखिए एक फोटो कॉपी ले लेनी है, अपने पास रख लेनी है आपके एक एविडेंस के तौर पर कि आपने जो है असाइनमेंट जो है सबमिट करवा दिए हैं। वैसे आपके जो असाइनमेंट होते हैं उनकी भी आपको एक फोटो कॉपी जो है निकाल के रख लेनी चाहिए अपने पास, ताकि अगर खो जाए तो मिसप्लेस हो जाए तो उसके कंडीशन में आप अपना जो है काम कर सकें और अपने असाइनमेंट जो है सबमिट जो है करवा सकें। देखिए यहाँ पर, उसके बाद जब यह होता है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर आपको अपना ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने के 120 रुपये लगते हैं, एक सब्जेक्ट के पहले 60 रुपये लगते थे लेकिन अब उनको बढ़ा दिया गया है तो 120 रुपये लगते हैं एक एग्ज़ाम देने के 120 रुपये लगते हैं। तो जितने भी आपने असाइनमेंट दिए या जितने एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उनके लिए इतने 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उतने आपको देने हैं। आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, DD बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो बनाना पड़ेगा। आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, आप चेक में पेमेंट नहीं कर सकते, आप और किसी माध्यम से पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप रीजनल सेंटर जाकर पेमेंट करना चाहते हैं, रीजनल सेंटर जाकर आपको वो करना है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट की मदद से करना पड़ेगा, वरना आप ऑनलाइन भी ये काम जो है कर सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर अपना ड्राफ्ट नंबर लिखना है, उसमें अपनी अमाउंट लिखनी है। अगर दूसरा कोई ड्राफ्ट है तो दूसरा ड्राफ्ट के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है, अमाउंट लिखनी है, उसके बाद फिर वो डेट लिखनी है। यहाँ पर से वो साइन कर देगा, इसमें यहाँ पर साइन नहीं है क्योंकि ये क्या है, फोटो कॉपी है।
जो असली जो था, असली जो पेपर था, असली जो फॉर्म था, वो सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए वहाँ पर से आपको ये स्लिप मिलेगी, इस तरह की कोई स्लिप मिलेगी, यहाँ ये आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। ये क्या होगी कि ये आपको बताएगी, या ये इस तरह से एक रिसिप्ट है, एक रसीद है कि कंफर्म करने के लिए कि आपने जो है असाइनमेंट जो है सबमिट करवा दी है, या अगले साल की जो फीस दी है वो दे दी है। दोनों के लिए आपको अलग अलग रिसिप्ट मिलती है, ये आपने ये भरा, उसके बाद ये आप सब कुछ जो है भर लेंगे, और उसके बाद जितने भी फीस जो है आपने दी उसका अमाउंट जो है, और उसके बाद फिर वो यहाँ पर से आपको रसीद काट के ये दे देंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो है भर चुका है। तो आपको ये इस तरह से करना है, और आपको इसके बारे में, इग्नू के बारे में कोई भी और जानकारी लो कर देनी है, लेनी हो या कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको जवाब दे देता हूँ।